मुलाकात ना होती। और ये दिल तो हर बात की वजह है, ये दिल ना होता तो कोई बात ना होती। और आज हम सबका दिल जो चुरा लिया है मोनिल ने, नजर नहीं आ रहा मुझे, मोनिल कहाँ हो? मोनिल आ जा यार। तो मोनिल कितने साल का हो गया तू? सेंट पॉल, सही बताया मैंने? कौन सी क्लास में बेटा? ये तो मम्मी बताएगी अभी कौन सी क्लास में आया हूँ मैं। आज स्कूल गए थे? मोनिल क्या है मुझे जानता नहीं, अनजान लोगों को मम्मी ने मना किया है बात नहीं करनी। चॉकलेट वॉकलेट तो खाई थी आज पक्के से? किसी ने नहीं थी? मैं खिलाऊंगा चल तुझे चॉकलेट। प्लीज सभी लोग स्टेज की ओर आ जाएं, मोनिल का बर्थडे केक इंतजार कर रहा है आप सभी का। बहुत रोते हैं लेकिन दामन नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। ये आदत नहीं है मैं भूलने की, और याददाश्त चली जाए तो कोई और बात है। याद आप सबकी आती है धड़कन के साथ, और वो धड़कन ही रुक जाए तो कोई और बात है। अपनी वाइफ की फोटो है, वो जल्दी से स्टेज पर आ जाए। अंकित मुझे लगता है तेरी जेब में जरूर होगी है, तो ऐसे पर ऐसे पति चाहिए। एक पति आ चुका है, शादी हो गई आपकी? लगता नहीं है, जवान हो अभी तक। और अंकित मेरा पुराना दोस्त, मेरा पुराना यार आ चुका है, फोटो तो लेकर आए गर्लफ्रेंड वाली वही। मजाक करो, तो तीन और मुझे चाहिए ऐसे पति। ये मैडम ने अपनी फोटो, मैडम सामने होते हैं तभी धीरे निकलती है, बाकी तो धीरे निकलती है क्योंकि आईसीआईसी बैंक वाले हैं। अच्छा, चारों के लिए और मेरे लिए भी। भाई साहब आपकी जेब में भी लग रहा है फोटो, पुराना दोस्त है मेरे। और फोटो एक बार चेक करा दें। हितेश मैं चाहूंगा आप एक बार स्टेज पर आए प्लीज। अरे 3 साल हुआ है मेरी शादी को, और मैं मेरी शादी से काफी खुश हूँ। और अभी देखिए मैंने पूछा ही नहीं उससे पहले ये, तो देखिए जो आदमी खुश नहीं होता है वही। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये कि खुश है। और अभी 3 महीने पहले ही मेरी ये भी डॉटर हुई है, तो आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। हितेश जी सो मच, खुश है और ऐसी ही आपकी जिंदगी चलती रहे। और आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इन सब लोगों के पास इनकी ओरिजिनल 5 का फोटो है या नहीं, करेंगे? बिल्कुल जी सर, बताइए। ये मैडम के बचपन का फोटो लग रहा है मुझे, है मैडम? कहाँ है मैडम? अरे मैडम ये तो ओरिजिनल है बिल्कुल। इसी बैंक की तिजोरी कितनी भरी हुई है, तिजोरी खाली कैसे है सर आज? अच्छा, सब बांटने में बढ़ गए दिखे। तो मैडम है यहाँ पर? मैडम तो इस फोटो से भी रंगीन लग रहे हैं बच्चे। 28 ईयर के की शादी को? शादी को और मैडम 28 के लग रहे हैं अभी तक। ये तो वही फोटो है जो पहली बार दिया होगा आज। पीछे वाला भी है तो। पीछे वाला भी है, शादी के पहले और शादी के बाद दोनों रखना पड़ता है। अच्छा, याद करते हो कि वो दिन है? और अंकित जी देखा होगा आपने। क्या बात है, इनके पास सबसे यूनिक फोटो है, फोटो की कटिंग करके लेकर आए। देखो ये एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए अंकित के लिए तो। क्या बात है अंकित, इन कामों में लगे रहता, देखा होगा। तो देखिए इन चारों को प्राइस तो बनता है,
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक लाफ्टर तो ऐसे ही हंस के बताना है, ठीक है? तैयार है अंकित? सबसे पहले ना यार अंकित ऐसे मत बस यार अरे यार हो गया ना कहाँ है मैडम? दर्शन 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 तो आज हंस जाओ यार मस्त वाला दर्शन के लिए जोरदार तालियां यार विदा यहीं पर काम हो कुछ सोच स्टेज पर ही किधर किसने डीजे भैया हिट द म्यूजिक तो ऐसे कर लीजिए यार चलो ये बच्चे ने मेरे को सिखाया कैसे करना है कैसे करना है लेकिन रेशा जो है वो 50-50 का है मतलब आप भी हैं अब होना तो पड़ेगा ही देखो इंसान के रूप में ऐसे ढलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ये वो तो सब ठीक है लेकिन घर जाना है भैया तो आज इनकी पिटाई फिक्स है मतलब ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कभी कभी पिटते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे हितेश के लिए कहने के लिए अब बाकी क्या रह गया है चलिए ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हंसी मजाक इनके बीच चलती रहे नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम आपको आशीष एकदम मतलब ऐसा एकदम आप पर ही गए मेरे बिना तो रहता ही नहीं है